दिस इज लंदन ब्रो, ये देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम हेयर स्टाइल एंड इयर रिंग्स. हम आए हैं करण जहाँ पर रोल खाता था अपने स्टूडेंट टाइम में. दीदी और सैंडी भी बहुत थक गए हैं, इन लोग पूरे दिन एक्सप्लोर करने के बाद रात में दोबारा घूमने निकल जाते हैं. गाइज आई एम वेरी वेरी सैड क्योंकि सब लोग नहा चुके हैं मेरे को छोड़कर. क्या हुआ था कि हमारा हमसे ना कुछ शायद हीटिंग वीटिंग का हमने ऑन नहीं करा था गीजर की हीटिंग का, तो यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम है उसका. सो पाई नहा गए गर्म पानी से, माँ भी थोड़ा बहुत गर्म से नहाई है, रिक्की और करण नहाए हैं बिल्कुल ठंडे पानी से, बिल्कुल बर्फ वाले पानी से. और मेरे को ऐसी आदत है कि मैं गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाती हूँ, सो मैं तो बिल्कुल ठंडे पानी से नहा सकती. तो मैं वेट कर रही हूँ बैठकर. हमने कॉल करा उनको जिनका अपार्टमेंट है ये, कि यार प्लीज़ आके प्रॉब्लम सॉल्व करो, बिकॉज इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाना इज मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है. ठीक है सेवा वाली ओ कचरी गाड़ी है. सो मैं कह रही थी हाँ मैं तो गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाती हूँ, तो इस मौसम में मेरे लिए नहाना इम्पॉसिबल है ठंडे पानी से यार. तो मैं बस बच गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सैड फील कर रही हूँ. मैं क्या करूँ गाइस, मैं क्या करूँ क्या करूँ. मैंने अपना सारा सामान यहाँ रखा है क्योंकि मेरे पास इस यहाँ पर रूम में जगह नहीं है इस सामान रखने का, तो मैंने इस शेल्फ पर रखा. और यहाँ से दिख रहा है हमें वो अपने सामने ही, ये बहुत अच्छा पब है जो बिल्कुल हमारे घर के सामने, बहुत ही सुंदर है. या ये कचरे की गाड़ी देखो. हम आ गए हैं कुछ शॉपिंग करने एंड सब अलग अलग घूम रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सबको अलग अलग डिफरेंट शॉपिंग कर रहे हैं. सो मैं और दीदी साथ में घूम के कुछ शॉपिंग कर रहे हैं. मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, चूरोज एंड आइसक्रीम, और दीदी लेने गई है वहाँ से स्ट्रॉबेरी. और ये पाई भुजिया खा रहे हैं. पाई आप भुजिया खा रहे हो? ये है इंडियन जुगाड़, मस्त. कहीं भूख लगी भुजिया हम लेके चले थे. हाँ सब सबके काम आ रही है. और दीदी वहाँ गई है अपने स्ट्रॉबेरी मेल्क चॉकलेट के साथ. क्या सेल्फ रिजल्स? और यहाँ पर मैं अपने चूरोस का वेट कर रही हूँ. ट्रेन का सफर भी हो जाएगा इनका थोड़ा सा. अब हम जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस, वहाँ जाके मैं खाऊंगा. नहीं नहीं, मैं तो करण की ट्रिक के आए, हम सब पैदल जा रहे थे, 15 मिनट का है. करण ने 2 मिनट में देखे ये क्या गया जगह रुके. बहुत ही भूख लग रही है. पहले हम करण को जबरदस्ती वहाँ ले गए, मॉल वगैरह से कोई इंटरेस्टेड नहीं था. सो ये है यहाँ का स्टेशन, लेट्स गो. आ जाओ. यहाँ का मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है पूरा. अपने ऑयस्टर कार्ड ले लिए. हमने ये देख मैं क्या बोलूं, बोल तुम रहे हो. और हम अंडरग्राउंड आ गए हैं, अभी हम यहाँ से पकड़ेंगे सीधा सेंट्रल लाइन और सीधा जाएंगे हम ऑक्सफोर्ड सर्कस. मुझे बहुत भूख लग रही है. हम आए हैं करण जहाँ पर रोल खाता था अपने स्टूडेंट टाइम में. हाँ. उस जगह रोल खाना. करण हम आपको कितने दूर लेकर आए सिर्फ ये रोल खाने के लिए. ये यहाँ पे रोल खाता था उसकी कॉलेज टाइम की, जितने भी फ्रेंड्स थे ना सब पे था. यस कभी कभी. सो हम आए यहाँ पे ट्राई करें कैसा, मतलब इतनी हाइप थी कि रोल है वहाँ का बहुत फेमस, हम कुछ खा रहे हैं इतने टाइम बाद. तो हम लोग शॉपिंग कर करके बहुत ज्यादा थक गए हैं. दीदी और सैंडी भी बहुत थक गए हैं इन लोग. हालांकि लिया ऐसा कुछ है नहीं, तुमने खास जो थक गए हो इतना. हम एडमिट भी नहीं कर सकते हम क्यों थक गए. हाँ बस थक गए ये लोग. और अभी हम वेट कर रहे हैं मम्मी पापा का. अच्छा उधर है ना पॉप मार्ट, सैंडी ने मुझे बोला एक इधर करके स्टोर खुला है, इसके आगे इतनी भीड़ है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों पूरी लाइन लगी हुई. और ये सुंदर सा मार्केट. सुपरमार्केट में कुछ लेने एंड गाइस यहाँ पर ना अभी सनसेट हो रहा है, तो इतनी सुंदर व्यू, इतना सुंदर व्यू है जिसमें मैं आपको दिखाया था. ये देखो कितना सारा पानी, कितनी सारी पानी की बॉटल्स खरीदी है कि पानी खत्म ही हो जा रहा है. वहाँ बहुत सारी चीज होता है पानी. दिस इज लंदन ब्रो, ये देखो दोनों रिक्शे में फुकरा गर्दी करती हुई दोनों दो लड़कियाँ. तुम दोनों को वीजा किसने दिया भाई? अभी देखो ये वाइब है अब ये. हमने
ठंडे सॉन्ग्स चला के हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग. और ये है हमारा डे टू इन लंदन. तो मैंने एक बात रियलाइज करी, जैसे एक नीम आता है ना कि एक चेयर होती है घर में जिसमें आप वो कपड़े रखते हो जो आप ना धोने भी नहीं होते और ना वो क्लीन होते हैं कि हम क्लोजेट में रख सके. तो ये वो चेयर है जिसका ये जो बर्तन है वो बढ़ता ही जा रहा. तो मैंने डिसाइड करा कि यार पहले मैं इसे समेटूंगी, मतलब चाहे कुछ भी हो, फिर ही मैं जाकर अपना नहाऊंगी धोऊंगी, क्योंकि वरना ना ये पाइल यहाँ तक आ जाएगा. सो अभी मैं एक एक करके इन्हें फोल्ड कर करके रखती हूँ. रेडी हो गई हूँ और मैंने ये प्यारे से इयररिंग्स पहने हुए हैं एंड ये है मेरा आउटफिट. यहाँ पे सुबह ही हो रही है यार अभी, लेकिन इंडिया के हिसाब से तो 12 बज गया है. सो ऑब्वियसली हमारा टाइम शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा. एंड मैंने आज थोड़ा ज़्यादा ब्लश लगा लिया है. सो चलते हैं नीचे, देखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे पियेंगे. और मैंने ये शेल्फ बना ली अपनी स्किन केयर के लिए. रेडी हो गए हैं जाने के लिए. मैंने और दीदी ने आज ट्यूनिंग करी थी खाना, हम दोनों ट्यूनिंग कर लिया. हाँ, ऑलमोस्ट सेम हेयर स्टाइल एंड इयररिंग्स ऑलमोस्ट सेम. सो हम निकल रहे हैं एंड यहाँ पर बाहर आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड है. मेरे मुंह से भाप भी निकल रही है. तो यहाँ से एंड हमारी उबर भी आ चुकी है. सबसे ज्यादा लेट करता, सबसे ज्यादा लेट. हम आ चुके हैं मिस्टर विलेज में. ओ वाह, कितना सुंदर है. सो मैं अपनी शॉपिंग करती फिर रही हूँ. सब अलग अलग शॉपिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पर इतने ज़्यादा डिस्काउंट्स है. मैं बैग्स देख रही हूँ यहाँ पर, देखते हूँ मुझे क्या पसंद आता है. गाइस, शॉपिंग कर करके मैं तो इतनी थक गई हूँ, मैं और दीदी, कि हम बैठे हैं कॉफ़ी पीने के लिए. एंड पीछे व्यू देखो कितना सुंदर है यार. ये क्रेप्स एंड कॉफ़ी पे हम बैठे हुए हैं. ये हमारे शॉपिंग बैग्स है, ये देखो. पता है इसकी थीम इतनी सुंदर है, विलेज टाइप की बनाई हुई, कि पहले मतलब कैसी थीम थी यहाँ की. सो उस पर ये बना हुआ है, लेकिन सो प्रिटी. ये देखो, और दीदी वहाँ पे खड़ी है, वेट कर रहे हैं हम अपने ऑर्डर का. मैं तो पैर भी दिख गए यार, इतना चल रहे हैं हम लोग पर, लेकिन हमारे जो शॉपिंग का जज्बा है वो ख़त्म नहीं हो रहा. हमारी हॉट चॉकलेट आ गई है एंड और भी हमने कुछ ऑर्डर किया था, वो नहीं आया है. वाओ, सो टेस्टी. पता है मुझे इतनी ठंड लग रही थी तो मैंने वो टेबल लिया है जहाँ पर धूप आ रही हो अच्छी खासी. गाइज, ये है बेल्जियम चॉकलेट क्रेप एंड बहुत ही डिलीशियस लग रहा है देखने में. कर रहे हो? घूम रहे हैं आप लोग, शॉपिंग तो हो ही रही है. और ये दीदी भी आगे आगे चले जा रही है, उधर भी बहुत अच्छा है. दीदी, तेरे बन को क्या हुआ? वो शायद तेरे से गुस्सा हो गया, वो कहीं जाना चाह रहा है. यार यहाँ पर टोम फोड़ दिया तूने, बोला कहाँ है वो. हेलो गाइज, अब हम निकल चुके हैं घूमने के लिए और हम तीनों ही होते हैं जो इतना पूरे दिन एक्सप्लोर करने के बाद रात में दोबारा घूमने निकल जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर. और आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ पहली बार ब्लैक टैक्सी में जो करना चाहिए, बहुत फेमस है. सो हम बस अपनी लोकेशन, एक्चुअली हम थोड़े से कन्फ्यूज हो गए थे. पहले हम बस से जाने वाले थे, फिर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई इसलिए टैक्सी में. अब हम बस निकल रहे हैं. Thank you.